जैसा कि परंपरा रही है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल शाखा का सुरेंद्र नगर का चुनाव हर दो साल में होता है, तो अब के लिए विगत दो साल छः महीने के बाद हो पाया है किन्हीं कारणों से, मगर उस चुनाव में हमारे सभी साथियों ने प्रतिभाग लिया और जो हमारे यहाँ 54 लेखपाल हैं, 54 ही लेखपालों का पद है, सभी लोगों ने प्रतिभाग लिया। एक लेखपाल साथी हमारे बीमार होने के कारण नहीं आ पाए और उस प्रतिभागिता में अध्यक्ष पद का चुनाव निर्वाचन से हुआ है। बाकी मंत्री का पद, उप मंत्री का पद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और ऑडिटर के पद जो हैं वो निर्विरोध हुए हैं। अध्यक्ष के पद में मैं सुधीर कुमार शर्मा लेखपाल सुरेंद्रनगर निर्वाचित हुआ हूँ और मैंने अपने सभी लोगों को इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद किया कि मैं आप लोगों ने मुझे चुना और इस पद पर जो मैं आया हूँ, तो मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ कि जो सरकार की सारी योजनाएँ हैं उनको प्राथमिकता पे कराऊँगा और अपने सारे जनता के जो भी कान हैं हमारे साथी मिल के करेंगे, जन समस्याओं को हल करेंगे और अपने उच्च अधिकारियों का भी पूरा सहयोग करते हुए अपनी कार्यकारिणी को हम लोग आगे ले जाएंगे। क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं जो और आप लोग हम लोगों के जो वरासत का एक समस्या है कि वरासत का एक पोर्टल है जिसमें ऑनलाइन वरासत तो हो जाती है, मगर उसमें जो वरासत करता होता है, करने आवेदन करता होता है, वो उसके एनेक्जियर उसमें सबमिट नहीं हो पाते हैं, जबकि यही चीज़ आय, जात, निवास, अन्य प्रपत्र उसमें प्रपत्र लग जाते हैं, जिससे हम लोग वो प्रपत्र मिलने से वरासत में देरी होती है और वरासत करने का जो टाइम है वो 7 दिन का है। कुछ वरासतें तो जब गाँव की होती तो वो समय से निर्धारित टाइम में कर ली जाती हैं, मगर कुछ वरासतें अगल बगल गांव की होती तो उस समय कम होने की वजह से वो वरासतें नहीं हो पाती हैं। तो इस बात के लिए कई बार हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने भी मांग की है कि वरासत का 7 दिन का टाइम जो है उसे 15 दिन कम से कम कर दिया जाए। तो ये एक बहुत मुख्य समस्या है हमारे यहाँ की। मेरा नाम नीतू यादव, लेखपाल सरोजिनी नगर। मुझे मंत्री पद पे चयनित किया गया है। मेरी जो महिलाएं हैं, महिलाओं का भी हाल फिलहाल में कोई समस्या नहीं है और मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर उनको कोई समस्या होती है तो मैं अपने पदाधिकारी अधिकारियों से मिलके उनके समस्याओं का समाधान करूंगी। उन सभी ने मुझे निर्विरोध चुना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनके उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।